बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हमारा टॉपिक है सॉकेट्स और पोर्ट्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो स्टार्ट लेते हैं टॉपिक को। सॉकेट्स, प्रोसेसर सॉकेट्स, सीपीयू सॉकेट्स इज द कनेक्टर ऑन द मेन बोर्ड दैट हाउसेस ए सीपीयू एंड फॉर्म्स द इलेक्ट्रिकल इंटरफेस एंड कंटेक्ट विद द सी पी यू। देखिए, सॉकेट्स की तो यूँ तो बहुत से हमारे पास टाइप्स हैं, लेकिन आज जो सॉकेट डिस्कस करेंगे वो सी पी यू सॉकेट को डिस्कस करते हैं। सो सी पी यू जो सॉकेट्स हैं ना, इसको प्रोसेसर सॉकेट भी कहा जाता है, इनको सी पी यू सॉकेट भी कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर क्या है, कनेक्टर है, जिनकी मदद से मतलब बोर्ड पर, मेन बोर्ड पर जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो प्लेस किया जाता है। और यानी हम प्रोसेसर को सीपीयू सॉकेट की मदद से मदरबोर्ड पर प्लेस करते हैं। प्रोसेसर सॉकेट्स यूज ए पिन ग्रिड एरे, जिसको पीजीए भी कहा जाता है, वेयर पिन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्रोसेसर कनेक्ट टू होल्स इन द प्रोसेसर सॉकेट। हमारे पास जो प्रोसेसर है, इनकी भी इन दो टाइप्स हैं बड़े बड़े, ठीक है जी। तो इसलिए सॉकेट की भी फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। एक प्रोसेसर को पीजीए कहा जाता है, यानी इसको पिन ग्रेड एरे कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिन्स होते हैं। अगर आप कहीं पर प्रोसेसर देख ले तो इसमें शायद आपको इस तरह पिन नजर आएंगे, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पीजीए सॉकेट, पीजीए कहा जाता है। या इनका एक और नाम इनके लिए बोला जाता है ZIF, ZIF, जीरो इंसर्शन फोर्स, ये भी इस प्रोसेसर का एक नाम है। या इनको और प्रोसेसर को जिस सॉकेट्स में रखा जाता है उनको सॉकेट 7 भी कहा जाता है। सो प्रोसेसर सॉकेट में बेसिकली क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इन होल्स में ये इनके जो पिन्स होते हैं वो प्लेस हो जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑन द इंटेल 86 आर्किटेक्चर इंक्लूड सॉकेट प्रोसेसर्स। ये जो 86 आर्किटेक्चर है ना, ये बेस करते हैं किस चीज़ पर, सॉकेट प्रोसेसर पर बेस करते हैं। यानी इनका जो इंटेल का जो आर्किटेक्चर 86 आर्किटेक्चर है, इन्होंने यहाँ पर सॉकेट प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। द न्यूएस्ट इंटेल सीपीयू डज नॉट हैव ए पीजीए। जो लेटेस्ट हमारे पास प्रोसेसर आई हुई इंटेल के, वो पीजीए नहीं है, ठीक है जी। यानी पिन ग्रेड है, उसमें पिन्स नहीं है, इट हैज एन एलजीए, इनको एलजीए कहा जाता है, आल्सो नाउन एज अ सॉकेट टी, इनको सॉकेट टी भी कहा जाता है। और एलजीए मतलब क्या, लैंड ग्रेड एरे। आगे डायग्राम है, इसमें देखते जरा इसको भी, देखिए ये वो पीजीए सॉकेट है, इसमें देखो होल्स होते हैं, इन होल्स में प्रोसेसर को प्लेस कर दिया जाता है, जबकि हमारे पास क्या है, ये एलजीए सॉकेट है, और देखिए मेरे को पिन, इसमें होल्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इसमें पॉइंट पोर्ट्स। ए कंप्यूटर पोर्ट इज अ कनेक्शन पॉइंट और इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस। बुनियादी तौर पर पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, या इनको इंटरफेस भी कहा जाता है, या इनको कनेक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, जिनकी मदद से क्या होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या जो इंटरनल डिवाइसेस हैं जो सिस्टम्स के अंदर लगे होते हैं, जिस तरह एक्सपेंशन कार्ड्स की बात करते हैं, या रैम की बात करते हैं, या और है, उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। इंटरनल पोर्ट्स में कनेक्ट सच डिवाइसेस एज हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी रोम्स एंड डीवीडी ड्राइव्स। सो इंटरनल पोर्ट्स की मदद से हम क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करवाते हैं, सीडी रोम्स या डीवीडी रोम ड्राइव्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। एक्सटर्नल पोर्ट्स में भी कनेक्ट मॉडेम्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए,
माउस या माइसेस जो है हो गए, और अदर डिवाइसेस का कीबोर्ड हो गए। सो जो एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं वो तो नॉर्मली विजिबल होते हैं, आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं, आप जो डेस्कटॉप सिस्टम उसके बैक साइड पर भी आप उसको देख सकते हैं, ये विजिबल होते हैं ये पोर्ट्स। लेकिन इंटरनल पोर्ट हमारे लिए विजिबल नहीं होते जब तक हम सिस्टम्स को ओपन करके न देख लें। यानी इन पोर्ट्स की मदद से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं सिस्टम के साथ। देखिए ये एक एक्सटर्नल पोर्ट्स है, मैंने डायग्राम यहाँ पर दिया है। सपोज देखो ये PS2 है, PS2 पोर्ट है जिसकी मदद से माउस और कीबोर्ड को लगाया जाता है। ये देखिए USB पोर्ट है, तो मतलब USB डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास कनेक्ट होते हैं। ये इथरनेट पोर्ट है, लैन का कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क सिस्टम्स को कनेक्ट करवाने के लिए। ये सीरियल पोर्ट से डायलअप जो मॉडेम्स होते हैं इस पर कनेक्ट होते थे, या पुराने जो माउस होते थे या कीबोर्ड होते इस पर कनेक्ट होते थे। ये इसको पैरेलल पोर्ट्स भी कहा जाता है, या कॉम पोर्ट्स भी कहा जाता है, या कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी कहा जाता है, या LPT1 पोर्ट्स भी कहा जाता है। इस पर प्रिंटर कनेक्ट होते थे पुराने प्रिंटर्स। ये VGA पोर्ट्स है जिसकी मदद से आप मॉनिटर को कनेक्ट करवाते हो। ये एरिया स्पीकर्स हो गया, या माइक्स हो गए, या माइक्रोफोन्स हो गए, इनकी कनेक्ट करवाते हैं। ये गेम पोर्ट है जिनकी मदद से आप क्या करते हो, हम गेम्स जो जॉयस्टिक्स होते हैं उनको कनेक्ट करवाते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देख लिया, आगे जरा इसको देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट के क्या फीचर्स हैं। सो फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पोर्ट। विच वन? एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स। जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं वो पोर्ट और केबल्स की मदद से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे देखो हम बात करते हैं माउस की, हम बात करते हैं कीबोर्ड की, हम बात करते हैं माइक की। हालांकि ये अब वायरलेस भी अवेलेबल है, लेकिन हम ट्रेडिशनली बात करें तो इनकी केबल्स होते हैं और इन पोर्ट्स की मदद से उसको कनेक्ट करवाते हैं। पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड अनटू विच ए केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस इज प्लग्ड इन। सो पोर्ट्स बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं बोर्ड्स पर जिनकी मदद से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच थ्रू पोर्ट्स आर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एट्सेट्रा। जैसे देखो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स हो गया, या माइक्रोफोन्स हो गए, या स्पीकर्स हो गए। ये हमारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के, एक्सटर्नल डिवाइसेस के जो हम पोर्ट्स की मदद से कनेक्ट करवाते हैं। कुछ पोर्ट को जरा देखते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, उसमें था सीरियल पोर्ट यूज फॉर द एक्सटर्नल मॉडेम्स इन ओल्डर कंप्यूटर माउस। जो पुराने माउस होते थे या जो पुराने मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम होते थे इनकी मदद से कनेक्ट करवाते हैं। देखिए ये याद रखिए इनमें ये पिन्स है। अच्छा ये अब ये न्यू सिस्टम में नहीं आ रहे। पैरेलल पोर्ट यूज फॉर स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स, आल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। देखो ये वाला, इनकी मदद से आप स्कैनर कनेक्ट करवाते हो या जो पुराने प्रिंटर्स होते थे उनको कनेक्ट करवाते हो। इनको LPT1 पोर्ट भी कहा जाता है। PS/2 पोर्ट, या जिसको PS2 पोर्ट भी कहते हैं, यूज फॉर द ओल्ड कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस। जो पुराने हमारे पास कीबोर्ड और माउस होते थे उनके लिए यूज होता है, और इनको माउस पोर्ट भी कहा जाता है। आजकल भी सिस्टम में मौजूद है, ये नहीं कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स प्रोवाइड टू PS/2 पोर्ट्स ईच फॉर द माउस एंड कीबोर्ड। आप तकरीबन पुराने कंप्यूटर देख ले तो उसमें आपको दो जरूर नजर आएंगे, एक पर माउस को कनेक्ट किया जाता है, दूसरे पर कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए जरा डायग्राम इसका देखते हैं। ये VGA पोर्ट कनेक्ट्स मॉनिटर टू ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, सिमिलर टू द सीरियल पोर्ट कनेक्टर। हाउएवर सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर हैज पिंस, VGA पोर्ट हैज होल्स। देखिए VGA पोर्ट्स को कहते हैं, इनकी मदद से आप क्या करते हैं, आप मॉनिटर को कनेक्ट करवाते हो किसके साथ, सिस्टम के साथ। सो सिस्टम का जो वीडियो कार्ड्स होते हैं ना,
सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनके साथ आप मॉनिटर को कनेक्ट करवाते हो। ये पोर्ट और सीरियल पोर्ट देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? सीरियल पोर्ट में से शुरू में मैंने बता दिया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, पिन्स होते हैं, जबकि ये जो वीजीए पोर्ट होते हैं इसमें पिन नहीं होते बल्कि इनके में होल्स होंगे। ज़रा देखिए, देखिए इसमें पिन नहीं बल्कि होल्स है। सो ये देखने में एक जैसे लगते हैं सीरियल और वीजीए पोर्ट, लेकिन फ़र्क है। यूनिवर्सल सीरियल बस आर यूएसबी पोर्ट, इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस सच एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। इनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, तकरीबन एक्सटर्नल जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करवाते हैं। आजकल तकरीबन आए हुए प्रिंटर भी आए हुए हैं, स्कैनर भी आए हुए हैं, माउस भी आए हुए हैं। अब कोशिश की जाने लगी कि जी जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब को यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए। इनके डिफरेंट शेयर्स हैं, देखो ये 2.0 है या 1.1 यूएसबी पोर्ट है, 3.0 पोर्ट है, 3.1 पोर्ट भी हो सकते हैं। बात सिर्फ स्पीड की होती है। पावर कनेक्टर कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर्स पावर केबल दैट प्लग्स इनटू ए पावर बार आर वॉल सॉकेट। इस पावर कनेक्टर की मदद से क्या करते हैं, हम सिस्टम्स को पावर प्रोवाइड करते हैं। सो जो पावर केबल होता है वो पावर कनेक्टर की मदद से सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। देखिए ये इसका, देखिए ये अगर गौर से देखिए जो हमारे पास ये ईथरनेट पोर्ट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क इन हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आप सिस्टम को नेटवर्क में लाना चाहते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए ईथरनेट पोर्ट को यूज़ करते हैं, या अगर आपने केबल लिया है किसी से, नेट का केबल लिया है तो आप इनके साथ इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। कनेक्ट द नेटवर्क केबल टू ए कंप्यूटर, दिस पोर्ट रिसेट्स ऑन द इन ईथरनेट कार्ड्स। सो बेसिकली ये ईथरनेट कार्ड्स पर ये पोर्ट लगा होता है, ये देखें ये वाला। गेम पोर्ट कनेक्ट्स ए जॉयस्टिक टू ए पीसी, पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर, नाउ रिप्लेस बाय यूएसबी पोर्ट। सो देखो ये गेम पोर्ट, ये इस पर पहले आप जॉयस्टिक लगाते थे, ठीक है जी, अब इसको भी रिप्लेस कर दिया गया किसकी मदद से, यूएसबी पोर्ट की मदद से। सो अब हम जॉयस्टिक भी क्या करते हैं वो भी हम यूएसबी पोर्ट की मदद से कनेक्ट करवा सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।